कच्छना गांधीधाम में थोड़ा दिवस अगाउ दिन दहाड़े 1.20 करोड़ की लूंट की घटना बनी थी। गांधीधाम 400 क्वार्टर एसएफएक्स 79 में रहता रेखाबेन कमल वासुदेव मूलचंदाणी घरे बपोरना समय सासू मीनाबेन घर में था। उपरना माड़े तेमना नणंद ममताबेन ट्यूशन भणावी रहा था अने ते समय तेमना घरे त्रण माणसो आव्या अने अमे सीबीआई पुलिस माथी रेड पाड़वा आव्या छीए। आम वात करी रूम अंदर थी बंद करी बेडरूम में पलंग पर सूतेला सासू ने नीचे उतारवानू कही बेडनू प्लाय ऊंचू करी अने तेमा काका सस्रा मोहनभाई नी गुटखानी बेग राखी हती जेमा 500 दरनी नोटोना बंडल हता। ते बेग उपाड़ी बहार निकलता हता अने ते दरमियान तेमना नणंदे आईडी बतावा कह्यु तो छरी बतावी घर अंदर जवानू कहीनी भागी गया हता। घटना बाद पूर्व कच्छ पुलिसे घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी हती। पुलिसे तेमज ह्यूमन सर्वेलंस तेमज टेक्निकल सर्वेलंस ने आधारे तपास हाथ धराई हती। पुलिसे समग्र लूटकांड में फरियादी रेखाबेनना सगा भाणे सहित 5 आरोपीओ ने झड़पी पाड़ता समग्र कावतरानो पर्दाफाश थयो छे। आप सब जाणो छो के तारीख 18/7/2023 ना रोज सांजे 4 વાગ્યાની આસપાસ ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા 400 ક્વાર્ટરમાં એક લૂંટનો બનાવ બન્યો। શરૂઆતમાં આ લૂંટ 1 કરોડ 20 લાખની હતી, પરંતુ જે ફરિયાદીબેન છે એમના કાકા સસરાના આ રૂપિયા હતા, એ એમના ઘરે એમને બહાર જવાનું હોવાથી એમના ઘરે રૂપિયા રાખી ગયા હતા। પછી ત્યારબાદ એમના કાકા સસરા ને વધુ જાણકારી મળે કે એમના બીજા બી થોડા વધુ રૂપિયા હતા, તો એના આધારે એમને વિશેષ નિવેદનમાં બીજા 25 લાખ રૂપિયા હોવાની જાણ કરેલી। આમ ટોટલ 1 કરોડ 45 લાખની લૂંટ હતી। વડોદરામાં વધુ એક લવજીહાદનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે।